अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा नीलम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ चीज़ों को क्लियर करना था और बैरून ममालिक में रहने वाले मेरे भाई और उनकी फैमिली, उसके लिए वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने मुज़ाकरात शो किया था और हाल ही में 2 दिन पहले एक मेरे वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिससे मेरे भाइयों के बहुत दिल पे ठेस पहुँची, बहुत उनकी दिल आज़ारी हुई। तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था, मेरा आपको तकलीफ देना बिल्कुल मतलब नहीं था। वहाँ पे आप लोगों ने क्रिटिसाइज तो कर लिया, पर उसके पीछे क्या चीज़ है वो जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। आप लोगों को पता है कि मुज़ाकरात शो स्क्रिप्टेड होता है। मुझे भी बोला गया कि अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो प्लीज़ वो मजाक होगा, डोंट बी सीरियस। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में हंसी मजाक ही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बात आप लोगों को इतनी बुरी लगेगी या इतना मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। आप लोगों ने तो सब कर लिया, लेकिन आप लोग ये जानते हो कि उस YouTube पे कमेंट्स और ये सब चीज़ों से मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, मैं मेंटली कितनी डिप्रेस्ड हुई होंगी। मैं ना एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक शरीफ ख़ानदान से, तो मेरे लिए कितना मसला होगा आप लोगों को ये नहीं पता। मेरे बहुत से रिश्तेदार, मतलब आधे से ज्यादा रिश्तेदार मेरे बैरूनी ममालिक में सेटल्ड हैं। एक छोटी सी गलती पे तो अल्लाह भी माफ कर देता है, आप तो इंसान हैं, आप लोग क्या माफ नहीं कर सकते? मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ आप लोग को, मेरी वजह से दिल दुखा, आप लोग हर्ट हुए, आई एम रियली रियली सॉरी, माफ़ कर दे मुझे। और उम्मीद है आप लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का दिल बड़ा है। बस इतना ही कहना था मुझे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।